Hello friends, my name is Manish and you are welcome to our channel Genius Prep. So in this video we are going to learn about the percentage. So percentage को हम हिंदी में प्रतिशत भी बोलते हैं. तो प्रतिशत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना केवल आप एग्जाम में देखते हैं बल्कि आपके डेली रूटीन में, आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज आता है. तो आज का जो वीडियो है मैं इसमें आपको प्रतिशत का मतलब बताऊंगा, प्रतिशत निकालते कैसे है, उसकी रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और इस तरीके से लेंगे कि आपको ये वीडियो देखने के बाद प्रतिशत से आपको खेलना आ जाएगा, ये मेरी इस बात की गारंटी है. सो स्वागत है आपका मेरे चैनल जीनियस प्रैप में. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई, हम समझते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है. सबसे परसेंटेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पर मतलब होता है प्रतिशत, प्रति. ओके, परसेंटेज का मतलब होता है सेंचुरी, दैट इज मीन शतक, और वी कैन से शत. शत का मतलब होता है 100. ओके, व्हेनेवर वी हैव टू कंपेयर, दैट्स मीन परसेंटेज का मतलब होता है जब भी हम किसी भी नंबर को 100 से कंपेयर करते हैं, उसको स्केल करते हैं 100 से, दैट इज कॉल परसेंटेज. ओके, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी चीज़ दी भी हो, कुछ भी नंबर दे, उसको अगर 100 से कंपेयर करके निकालते हैं कि वो 200 में अगर वो इतना है तो 100 में कितना होगा, दैट इज कॉल परसेंटेज. ओके, तो सबसे पहले हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेंगे और हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं परसेंटेज को. तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है कि बॉब हैज 200 पाइस एंड 75% ऑफ द पाइस आर ब्लूबेरी, देन द नंबर ऑफ ब्लूबेरीज पाइस इज. ओके, मतलब क्या है इसका, बॉब है, उसके पास 200 पाई है और उसमें सिर्फ 75% ऑफ पाइज है वो ब्लूबेरी है, तो हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लूबेरी कितनी है. तो एक बहुत ही गोल्डन रूल मैं आपको समझाता हूँ परसेंटेज का, बहुत ही सिंपल है, इसके लिए कोई लॉजिक यूज नहीं करना है. जब भी आपको परसेंटेज दिया हो और उसे नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, और जब आपको कोई नंबर दिया हुआ हो और उसे परसेंटेज निकालना हो, ओके, तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे. यही रूल हम हर जगह यूज करेंगे और यही परसेंटेज का सबसे कोर रूल है. तो यहाँ पे क्या दिया, टोटल नंबर प्राइस दिए कितनी, 200. ओके, 70% ऑफ प्राइस क्या है, ब्लूबेरी है 75%. अब क्या करना, परसेंटेज हटाना है क्योंकि परसेंटेज अपन को दिया हुआ है, इसको अपन को निकालना है कितने परसेंटेज है 25. तो इसमें हम क्या करें, 100 का डिवाइड कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटा, ये बचता है 150. तो मतलब क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ ब्लूबेरीज है इसमें 200 में से 150 ब्लूबेरीज है. ओके, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जस्ट ध्यान रखिए ये कॉन्सेप्ट जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होंगे ना सिंपल तरीके को, उसमें ये यूज आएगा. ओके, नाउ मूव करते हैं, इसी को हम अब इसको अलग तरीके से एक बताता है, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं. द फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज इज पार्ट डिवाइड बाय होल इज इक्वल टू पी बाय 100. वही हमने यहाँ पे करा, पी का मतलब है परसेंटेज निकालना, पार्ट है होल है, होल मतलब जैसे जो 200 दिया हुआ था ऊपर वाले क्वेश्चन में, 200 होल था, पार्ट था जो हमें निकालना था, परसेंटेज हमें दिया हुआ था कि 75% है, बस वो यही फॉर्मूला है और वही फॉर्मूले को हमने ऊपर एक नए तरीके से याद किया है. ओके, अब ये तो हो गया सबसे पहला. अब जो दूसरा होता है, इसमें अभी तक हमने क्या सॉल्व करा कि हमें परसेंटेज दिया हुआ था और हमने क्या निकाला था, नंबर निकाला था. ओके, अब यहाँ पे क्या है, इधर उल्टा है, यहाँ पे दिया हुआ है नंबर और हमें निकालना है परसेंटेज. ओके, तो यहाँ पे क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन है, 62 इज वॉट परसेंटेज ऑफ 1000, मतलब क्या है कि 62 कितना परसेंटेज है 1000 का. ओके, अब इसके लिए वो ध्यान रखेंगे कि ऊपर ये जो हमने ये सिंपल सा फॉर्मूला देखा है, ये वाला, ये क्या है, पार्ट, हमें पार्ट कितना है यहाँ पे 62. ओके, होल यहाँ पे कितना है 1000 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है अपन को परसेंटेज निकालनी है अपन को, 1000 डिवाइड बाय 100. ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, पी यहाँ ले जाएगा, 100 यहाँ पे चल जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 62 डिवाइड बाय 1000, ये 20 से 20 कटा, ये 10 है तो हमें पता है इसको 6.2. तो मतलब क्या है, 62 is 6.2% ऑफ 1000. ओके, समझ में आ गया ना. तो यहाँ पे भी हमने वो ही करा है, यहाँ पे आपने देखा हमने अपने आप से ये फॉर्मूले का यूज करा, अपने आप से हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया. और मैंने उसको बताया था कि जब भी आया तो या तो ये फॉर्मूला याद कर लो तुम, या फिर ये रिमेंबर करो कि जब भी आए, जब भी परसेंटेज हटानी हो तो हम 100 से डिवाइड करें, जब परसेंटेज लानी हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे.
ओके तो बहुत ही सिंपल था ये। अब उसके बाद हम मूव होते हैं परसेंटेज चेंज में। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक किस तरीके का क्वेश्चन है ये, इस तरीके का क्वेश्चन है कि आपको दिया होगा कि पहले किसी चीज की वैल्यू थी, किसी चीज की प्राइस थी 100 रुपए, अब उसको हमने कर दिया 120 रुपए, तो हम वो क्वेश्चन पूछेगा कि कितने परसेंटेज से इंक्रीज करा। सेम यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है, इसको बस हमने परसेंटेज चेंज निकाला है। ओके तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो इसी से हम रिलेटेड लेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि क्या बोलता है। ओके सो ये क्वेश्चन कहता है, इफ द प्राइस ऑफ शर्ट इंक्रीज फ्रॉम $80 to $100, देन व्हाट परसेंटेज डिड द प्राइस ऑफ द शर्ट इंक्रीज। ओके मतलब क्या है कि एक शर्ट है उसका प्राइस पहले $80 था और उसको बाद में इंक्रीज कर दिया $100 पे, तो हमें निकालना कितना परसेंटेज प्राइस है ना शर्ट का इंक्रीज किया है। ओके सबसे पहली प्राइस क्या है $80, P2 क्या है $100। ओके तो चेंज इन प्राइस कितना हुआ, डेल्टा पी बोल सकता है, दैट इज इक्वल टू P2 - P1 इज इक्वल टू $20। ओके अब क्या है यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोलता है, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। ओके तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है $220। ओके डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस कितना था 80, ये 80 हो गया, मल्टीप्लाई क्या करना है 100, जीरो से जीरो कटा, ये है ये आ गया 4, यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 25। मतलब क्या हुआ कि प्राइस कितनी इंक्रीज हुई है शर्ट में 25%। समझ आ गया, बहुत सिंपल है ये। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे P2 - P1 क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सपोज ये 80 से 60 करता, ओके तो अगर तुम P2 - P1 लिखते तो क्या होता, 60 - 80 - 20 आता ना, ये -20 में हमें सिर्फ 20 को लेना होगा। माइनस जो सिंबल है वो शो करता है कि आपकी जो प्राइस है वो डिक्रीज हुई है या फिर इंक्रीज हुई है। पॉजिटिव है दैट मींस इंक्रीज हुई है और नेगेटिव मींस इज डिक्रीज हुई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या किया हमने यहाँ पे। तो तीसरा तरीका, अभी तक हमने तीन तरीके को क्वेश्चन कर लिया, पहला क्वेश्चन में हमने क्या करा परसेंटेज निकाला, दूसरे में हमें परसेंट नहीं पहले पहले में परसेंटेज से हमने नंबर निकाला, दूसरे में हमें नंबर से परसेंटेज निकाला, अब तीसरे में हमने चेंज ऑफ परसेंटेज करके निकाला। तो आपने तीन तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ओके अब देखो कुछ एक लॉजिकल यू नो पॉइंट्स टू रिमेंबर काइंड ऑफ थिंग है ये। ओके तो यह क्या है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है इफ अ क्वांटिटी इंक्रीज बाय पी परसेंटेज, ओके परसेंट, द न्यू क्वांटिटी विल इक्वल टू 100 + P% मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ओके सेम चीज है, मैंने परसेंट ऊपर क्या होता था जब हम प्लस करते हैं, हमने P2 - P1 करा था क्योंकि P2 की प्राइस ज्यादा थी, इंक्रीज हुआ था इसलिए पॉजिटिव आया, यहाँ पे इसलिए प्लस है, जब आप नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे। अब इसको क्वेश्चन को हम कैसे ये क्या क्या बोलना चाह रहा है ये हम अभी फोर्थ क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। ओके तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा बोलता है क्या बोलता है ये, इफ द प्राइस ऑफ $3,000 कंप्यूटर इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द न्यू प्राइस। ओके इसका मतलब क्या है कि $3,000 प्राइस ऑफ अ $3,000 जो कंप्यूटर का है वो हमने 20% से इंक्रीज कर दिया, तभी नई प्राइस क्या है। ओके ध्यान रखिए ये जो चीज है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इसको रिलेट कर इससे रिलेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें इंक्रीज हुआ और यहाँ पर हमें इंक्रीज की बात करी है। ओके अब मैं एक्चुअली बिकॉज आई लव मैथ सो आई डोंट बिलीव कि ये तुम ये चीजें याद करो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। If you understand the logic, जो ये point remember है, ये इतने matter नहीं करेंगे because तुम जान चुके होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ ए प्राइस क्या है $3,000 है, ओके सो P1 कितना हो गया $3,000, ओके कंप्यूटर की इंक्रीज कर दी बाय 20%, तो इंक्रीमेंट कितना हो गया, परसेंटेज कितना गया 20% से इंक्रीज कर दिया। अब ये नया प्राइस क्या है, ओके सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके दो पार्ट है। ओके इस वाले पॉइंट में बताया इसने दोनों पार्ट को कंबाइन कर दिया, लेकिन हम मैं स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, तो उसके बाद तुम उसको उस तरीके से सॉल्व करो। सो सबसे पहले हमें न्यू प्राइस निकाल लिया, मतलब अल्टीमेट क्या निकालना है, हमारा जो नया जो पी न्यू है ना वो निकालना है हमें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि जो 20% इंक्रीज हुआ तो टोटल नंबर कितना हो, तो मतलब क्या करना है, परसेंटेज अपन को दिया हुआ है, हमें क्या करना है
नंबर में कन्वर्ट करना। आप जब नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करता है, या फिर ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद हो गई जिसके अंदर था पार्ट डिवाइड बाय होल इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ओके, यहां पर हमें क्या निकालना है, पार्ट निकालना है। ओके, तो पार्ट कितना हो गया, पार्ट हो गया, परसेंटेज कितना गया 20%, 20% मल्टीप्लाई बाय होल कितना है 3000 डिवाइड बाय 100, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, तो मतलब का $600, मतलब जो इंक्रीमेंट है वो कितना इंक्रीज करा, $600 से गया। तो नई प्राइस क्या आ गई, पी न्यू इज इक्वल टू पी वन प्लस पी दैट इज इक्वल टू 3600। ओके, समझ में आ गया। तो ये क्या बोला, इसमें बोला कि आप जब, हमने क्या करा, पहले ऐसे निकाला फिर ऐड करा, वो चीज इसने एक ही लाइन में कर दी, 100 प्लस पी मतलब क्या होगा, 100 तो ये होगा, पी कितना 20, तो कितना होगा 120% मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, 120%, यही चीज हमने यहाँ पे करी, वो उसमें ऐसे कर दी। तो बिल्कुल सिंपल है, बट मैं चाहता हूं कि आप जब ये पहले, आप इफ यू वॉन्ट यू कैन रिमेंबर दिस, बट आई डू वॉन्ट कि तुम पहले इसे समझो कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बार आप उसका लॉजिक समझ गए, उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सब फोर्थ क्वेश्चन के साथ। फोर्थ क्वेश्चन भी वैसा का वैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, वो ट्विस्ट है इज द प्राइस ऑफ 3000 कंप्यूटर डिक्रीज्ड बाय 20%। मतलब क्या हो रहा है, पहले में क्या था, इंक्रीज हो रहा था, दूसरे में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सेम टू सेम हमें जो हमने करा है, इसलिए हम अलग तरीके से करते हैं। पी दिया हुआ है $3000, ये डिक्रीज करा तो यहाँ पे क्या गया, डिक्रीज वाला साइन आ गया, तो 20% हमने 20% निकाला, कितना गया 600। तो अब ये जो यहाँ पे जो पी न्यू आएगा वो क्या आएगा, 3000 माइनस 600 दैट इज इक्वल टू $2400। सेम क्वेश्चन सेम लॉजिक, बस हमें माइनस कर दिया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। तो हमें चार पांच तरीके के क्वेश्चन अब तक परसेंटेज में सॉल्व कर चुका है, और मेरे को बता रहा हूँ इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे, लेकिन परसेंट बहुत ही सिंपल टॉपिक है और आप डेली लाइफ में करेंगे। अभी आप क्या करोगे, अभी आप इसको बस याद करो कैसे करना है, लिख के करो। एक बार आपको फ्लुएंसी आ गई, यू डोंट इवन नीड टू राइट एनीथिंग, यू विल डू ऑल द कैलकुलेशन इन योर माइंड। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के अंदर मैं आपको परसेंटेज के शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि हाउ कैन यू डू शॉर्ट ट्रिक्स, हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन विद अ शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, नाउ अभी बिकॉज हम जीआरई का कोर्स इंक्लूड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के सीरीज के अंदर, तो जीआरई में एक छोटा सा पार्ट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का भी आता है। इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक If you considering the GRE only, but yeah, you can see some of the questions in GRE. और ये एक general topic है जो किसी भी exam आ सकता है, लेकिन मैं इसको इसमें cover कर रहा हूँ. Okay? अगर आपको इसमें और detail जाननी हो, you can write me. I can make a video on this particular topic in detail. Okay? So ये क्या है? Simple and compound interest. सबसे पहला तो है simple interest क्या होता है? Simple interest का formula क्या है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, रेट मतलब होता है किस रेट से आपको ब्याज मिल रहा है, और टाइम मतलब कितना टाइम में है। ओके, बहुत ही सिंपल है ये वाला। तो लेट्स सी क्या बोलता है हमारा पांचवा क्वेश्चन है। मैं ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना, वो ज्यादातर जो टॉपिक्स है वो क्या बोलते हैं उसे, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू करवा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ, बिकॉज मैथ इज ऑल अबाउट क्वेश्चन, मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू समझ में आता है ना, आप कभी नहीं भूलने वाले। ओके, सो यही जो कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, पहला पांचवा क्वेश्चन है यह है, इफ बॉब इन्वेस्टेड $800 एट 5% सिंपल एनुअल इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट डिड हिज इन्वेस्टमेंट अर्न आफ्टर 5 years। ओके, सो सबसे पहले इन्वेस्ट कितना, प्रिंसिपल मतलब मूलधन बोले तो कितना है $800। ओके, उसके बाद रेट, यहाँ पे रेट कितनी है, मतलब कितने कितने दर से अपन दे रहा है 5% की एनुअल इंटरेस्ट है, रिमेंबर। ओके, एंड देन टाइम, टाइम कितना है 5 years, मतलब कि 5 साल। तो 5 साल बाद कितना इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट को हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरेस्ट इज 800 मल्टीप्लाई बाय 5%। तो परसेंट को हटाना तो क्या करना है, परसेंटेज दिया तो 100 से
डिवाइड करना है, यस यू राइट। उसके बाद क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0, 0 से 0 कटा, तो 8 पंजे 40, 8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 40 एंड देन मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू $200। सो टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय बॉब ड्यूरिंग द 5 इयर्स इज $200 विद 5% सिंपल एनुअल इंटरेस्ट रेट। ओके, आप आई होप यू अंडरस्टैंड ये टॉपिक क्या बोल रहा है। अब इसी के साथ ये है सिंपल इंटरेस्ट का, और जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जब सिंपल इंटरेस्ट में आपको जो इंटरेस्ट होता है उस पर आपको ब्याज नहीं मिलता है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपके साथ जो आप ब्याज अर्न करते हो, फिर जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो नेक्स्ट पीरियड में, उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। ओके, तो हम क्या क्या कहता है, क्या इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज पी ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन रेज टू एन टी। तो पी यहां पे क्या, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, आर इज इक्वल टू रेट मतलब दर, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स पर ईयर। क्योंकि जो समटाइम्स क्या होता है ना कि आप जो ऊपर हमने जो क्वेश्चन में था वो एनुअल रेट थी, समटाइम्स आपको मिलेगा क्वार्टरली रेट होगी, समटाइम्स मिलेगा सेमी क्वार्टरली रेट होगी, समटाइम्स आपको मिलेगा पर मंथ इतना है, तो आपको उसके हिसाब से नंबर ऑफ टाइम्स पर ईयर। ओके, एंड देन टी इज द नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो 6th क्वेश्चन है, बॉब इन्वेस्टेड $800 एट 5% कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट, हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही इन्वेस्टमेंट अर्न आफ्टर 3 ईयर्स। सेम बॉब है, उसने पहले सिंपल इंटरेस्ट में दिया, अब वो क्या कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। सेम पी इज इक्वल टू $800, रेट इज इक्वल टू 5%, बट रिमेंबर दिस इज अ कंपाउंड, बट दैट इज ऑल्सो पर ईयर है, ये एनुअल है। ओके, तो हमें इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद क्या है, टाइम पीरियड कितना है 3 ईयर्स। ओके, नाउ इसका इन्वेस्टमेंट कितना अर्न करेगा, ओके कितना आएगा, तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला क्या बोलता है, पी पी इज 800 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर, आर इज 5% डिवाइड बाय एन, एन क्या था नंबर ऑफ टाइम्स, ये कितना हो रहा है एनुअल है तो एक बार ही होगा, और परसेंटेज को 100 में वो परसेंटेज को अपन को हटाना है, तो क्या करें 100 से डिवाइड करते हैं, ब्रैकेट 1, उसके बाद क्या आया रेज टू मतलब पावर में एन टी, एन बोल एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स, तो एक है कितना ईयर है, कितने 3 साल है, तो ये हो गया। अब इसको हमने सॉल्व करा तो 800 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप करेंगे एलसीएम लेंगे, 100 आएगा ऊपर 100 क्या प्लस 5 हुआ, तो 105 डिवाइड बाय 100 रेज टू 3। ओके, अब इसको आप या तो सॉल्व कर लो, अगर आप जीआरई के एग्जाम हो गया, ऐसे एग्जाम में हो आप जहां पे आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आप वो कर सकते हैं, और अगर आप कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालने उसको होता है, यू डू नॉट नीड टू सॉल्व टिल द एंड। ओके, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 1.05 रेज टू 3 कर दो। ओके, या फिर 105 करके इसको सॉल्व करो, तो जो भी आपको अप्रॉक्सीमेटली उसका आंसर आता है वो आप ले सकते हैं। रिमेंबर, जब भी आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता इस तरीके के क्वेश्चन में आप देखना, अप्रॉक्सीमेट आंसर आपको निकालना होगा, इसमें पूरा एक्चुअल डिटेल में नहीं जाने का होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू लाइक द यू अंडरस्टैंड द परसेंटेज, आई ट्राई टू कवर ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज ओनली फॉर कॉन्सेप्ट बेसिस। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक सम मोर एग्जाम्पल्स स्पेशली फॉर द जीआरई पीपल जो कि एग्जाम में जाने वाले हैं, उनके लिए मैं लेने वाला हूँ, और बहुत ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लेंगे। इस ये जरूरी नहीं है जीआरई के लोग के लिए, आप दूसरे तरीके दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। इन माई अनदर वीडियो आई विल बी मेकिंग अ शॉर्ट ट्रिक्स फॉर द परसेंटेज। ओके गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो एंड you learn a lot. If you don't understand anything, you can comment me back, you can email me, and you can contact to us through Facebook also. And that's it for today. I hope you love this video. If you like this video, subscribe to our channel, like this video, and share this video with your friends. Till then, bye-bye.